नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के एक साधारण किसानों के समूह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी, जो आगे चल करके पेशवाओं के नेतृत्व में भारत के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत हुआ और जिसकी सीमाएं कटक से लेकर के अटक तक विस्तृत थी। तो इन सब विषयों को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा टॉपिक है मराठों का, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को आप बिना मराठों को समझे ठीक प्रकार से बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। एक बहुत बड़े कालखंड में मराठों ने भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू करके पेशवाओं के काल में मराठा विस्तार सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। पानीपत का युद्ध हुआ और 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। तो इन सबको हमें एक क्रम से समझना होगा, तभी ठीक प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री पर हमारी पकड़ बनेगी। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही सावधानी से और गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है, और इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये डिटेल्ड टाइमलाइन हमने बनाई है और इसी टाइमलाइन के माध्यम से ही हम पूरे मराठा साम्राज्य को पढ़ लेंगे। लेकिन इस टाइमलाइन पे आए उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम मराठी इस शब्द की उत्पत्ति को ही समझना चाहेंगे। तो देखिए, ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में रथ चलाने वाले के समूह को राठी कहा गया, बाद में जाकर के रथ बनाने और रथ चलाने वाले दोनों के समूह को मराठी कहा गया। तो ये एक जो है मराठी शब्द की उत्पत्ति का विषय है। अब हम मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य हमें दो चरणों में दिखता है। एक तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, जिसमें हमें दिखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने कि मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद उनके बाद के शासक हमें दिखते हैं, जैसे संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, और फिर जो है ताराबाई का नेतृत्व हमें दिखता है। दूसरे चरण को अगर हम देखें मराठा साम्राज्य के, तो वो हमें दिखता है उत्तर मुगल काल, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद का मराठा साम्राज्य हमें दिखता है, जिसमें धीरे धीरे करके पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक नेतृत्वकर्ता बन गए और छत्रपति केवल नाम मात्र के शासनकर्ता बन गए। इन सब विषयों को हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य हमें दो चरणों में दिखता है। एक तो जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होकर के, और उसके बाद दूसरा चरण हमें दिखता है उत्तरवर्ती मुगल काल, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में धीरे धीरे विकसित हुआ वो दिखता है हमें, ठीक है। तो इतनी बात करने के बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक मराठा साम्राज्य किस प्रकार से खड़ा हुआ, किस प्रकार से मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, उसके क्या कारण थे, आखिर किन कारणों में, किन परिस्थितियों में
छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। इसको हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो हमें और सारी चीजों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, इसके कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति बताई जाती है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि वहां वर्षा की कमी थी, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से दैनिक जीवन यापन की कठिनता थी, जिसने मराठों को प्रारंभ से ही कठोर, परिश्रमी और आत्मविश्वासी बनाया था। और इसी कारण से मराठे निर्भीक, कठिनाइयों से न घबराने वाले और एक सधे हुए सैनिक बने। तो पूरा दक्षिण की जो पर्वतमालाएं थी वो ढाल का काम करती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो युद्ध पद्धति थी, जिसे हम छापामार युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं, गोरिल्ला वारफेयर के नाम से जानते हैं, वो समतल मैदानी इलाकों में संभव हो ही नहीं पाती। तो पूरा वो जो पहाड़ी क्षेत्र था, वो जो जंगली क्षेत्र था, वो जो है मराठों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता था। और यही कारण था कि उतने बड़े मुगल साम्राज्य से मराठे एक लंबे समय तक लोहा लेने में सक्षम हुए और फिर पेशवाओं के नेतृत्व में ये दिन मराठा साम्राज्य ने देखा कि जब मराठा सिपाही दिल्ली गए और फर्रुखसियर की उन्होंने हत्या की और पेशवा माधवराव के समय शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से मराठे दिल्ली लेकर के आए और अपने संरक्षण पर गद्दी पर बिठाए। तो ये जो पूरी भौगोलिक स्थिति थी, ये जो है मराठों के लिए बेहद सहायक हुई। और जब भी इन पहाड़ी इलाकों में मुगलों से सामना हुआ मराठों का, मराठे सदैव विजयी रहे। सर जदुनाथ सरकार की अगर हम बात करें तो सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सादगी, अस्पष्टवादिता और सामाजिक एकता कूट कूट करके भरी थी। तो पहला कारण हमने देखा, भौगोलिक परिस्थिति, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा, औरंगजेब की धार्मिक नीति को बताया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और जो कि अन्य धर्मों से नफरत करता था और मुस्लिम धर्म को अधिक से अधिक विस्तृत करना चाहता था, और वो भी तलवारों के बल पर करना चाहता था। औरंगजेब के समय में एक पूरा विभाग ही था और जिसके अधिकारियों की ड्यूटी थी हिंदू मंदिरों को तोड़ने की, और जो अधिकारी इसमें अधिक सक्रियता दिखाता था उससे औरंगजेब बेहद प्रसन्न रहता था। तो औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीति थी, उसने भारत के निवासियों को यह मजबूर किया कि उसके खिलाफ जो है वो संगठित हो। तो मराठे भी संगठित हुए, सिख भी संगठित हुए, दिल्ली के एकदम पास जाट भी संगठित हुए। तो पूरा सिखों से भी अभियान रहा। तो एक तो जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति, जिसने कि बिल्कुल त्रस्त कर दिया था, और एक प्रकार से एक संगठन की बात जो है मराठों के बीच होने लगी। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के जो संत थे, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास, जिन्होंने कर्म दर्शन का सिद्धांत दिया अपनी किताब दास बोध में, और इन सब संतों का की शिक्षाओं का मूल क्या था, तो जाति पाति का विरोध, ऊंच नीच का विरोध, सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसके भाव में वृद्धि। इस दौरान अनेक संस्कृत धर्म ग्रंथों का मराठी में अनुवाद हुआ।
समर्थ गुरु रामदास ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म स्थान अपवित्र हो रहे हैं, औरंगजेब के शासनकाल में धर्म स्थान अपवित्र हो रहे हैं, धर्म का लोप हो रहा है, सारी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। हे महाराष्ट्र के निवासियों, अपनी पूरी शक्ति से एकत्रित हो जाओ और मलेच्छों का नाश कर दो। इस तरह की अपील समर्थ गुरु रामदास कर रहे थे। कहा जाता है कि संत तुकाराम के जो भजन थे वो महाराष्ट्र के सभी वर्गों में गाए जाते थे, सभी श्रेणियों में गाए जाते थे। इसने भी एकता का भाव भरा। इसके अलावा मराठों की सैनिक शिक्षा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है दक्षिण में हुई थी 1347 में, और फिर बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर आदि में टूट गया। तो ये जो दक्कनी सल्तनतें इन्हें कहा गया, इन्हें दक्कनी सल्तनतें कहा गया। तो जो दक्कनी सल्तनतें थी उनमें मराठे बहुत बड़े स्तर पर सैनिक के रूप में भी और प्रशासक के रूप में भी थे। और यह कहा जाता है कि दक्कनी सल्तनतें प्रशासन के लिए भी और सैन्य स्थिति के लिए भी मराठों पर निर्भर थी, और जितने उस क्षेत्र के पर्वती किले थे सब पर जो है मराठों की ही अधिकारिता थी, वो किसी न किसी मराठे के अधिकार में ही थे। और ये केवल नाम मात्र के ही इन सल्तनत के नवाबों के आदेशों को मानते थे। तो मैं बताना यह चाहता हूं आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्व ही मराठों ने सैनिक के रूप में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। विभिन्न जो दक्कनी सल्तनतें थी जैसे अहमदनगर, बीजापुर, इनमें जो है सैनिक सेवा वो दे रहे थे। किलेदार, जागीरदार मराठे हो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय से पहले पहले ही। तो एक सैनिक शिक्षा मराठों को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में उनके पहले ही मिल गई थी। हालांकि ये सारी शक्तियां बिखरी हुई थी, इनके अंदर एक मराठा साम्राज्य हम बनाए ऐसी कोई भावना नहीं थी, ये सारे परमाणुओं की तरह बिखरे थे, लेकिन लगभग सभी पर्वतीय किले मराठों के ही हाथ में थे उस क्षेत्र के। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले खुद ही अहमदनगर में जो है बहुत प्रोमिनेंट स्थिति में थे। तो हमने भौगोलिक परिस्थिति को देखा, हमने औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात की, हमने भक्ति आंदोलन के प्रभाव की बात की, और हमने ये भी बात की कि दक्कनी सल्तनतों में काम करके मराठों ने प्रशासन और सैन्य शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर ली थी। अब इन सारे कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा वो रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का करिश्माई व्यक्तित्व। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए, जब हम अभी इस चार्ट पे आएंगे और बात करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र में यह बात जो है फैलने लगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर ईश्वरीय गुण है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह चमत्कारिक पुरुष है। और इस धारणा ने मराठा साम्राज्य के अंकुरण में खाद का काम किया। और यह भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महान संगठनकर्ता थे और उन्होंने मराठों को संगठित कर दिया। तो इतनी बात हमें स्पष्ट हो गई। तो अब जो है हम चार्ट पर आते हैं और एक क्रम से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 1595 ईस्वी में शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले को अहमदनगर सल्तनत से उस समय
उस क्षेत्र पे अहमदनगर सल्तनत का जो है शासन था। तो शिवाजी के दादा मालोजी भोसले को अहमदनगर सल्तनत से पूना सूपा की जागीर और चाकन का किला मिला 1595 में। ये जो घटनाक्रम है 1595 का, जिसमें शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले को अहमदनगर सल्तनत से पूना सूपा की जागीर और चाकन का किला मिला, ये मराठा इतिहास का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। तो जो मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया उसका प्रारंभिक बिंदु इसे ही माना जाता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था 1595 में। इसके बाद हम देखें तो 1627 में शाहजी तथा जीजाबाई के पुत्र शिवाजी महाराज का शिवनेरी के किले में जन्म हुआ। अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म को लेकर के दो अलग अलग तारीखों का प्रयोग किया जाता है, एक 1627 और एक 1630। तो इसलिए कहीं पर अगर आप 1630 पढ़ें तो आप जो है भ्रमित ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो 1627 का भी प्रयोग होता है और 1630 का भी प्रयोग होता है। अब इतना अंदर जाकर के पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं एग्जैक्ट जो है ये वर्ष कौन सा था। ठीक है, तो हम 1627 को ही मानते हैं। तो 1627 को शाहजी भोसले पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और इनकी मां का नाम था जीजाबाई। तो शाहजी और जीजाबाई के पुत्र शिवाजी महाराज का शिवनेरी के किले में जन्म हुआ 1627 में, और कहा जाता है कि शिवनेरी देवी के नाम पर ही इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, तो 1627 में इनका जन्म हुआ और शिवाजी महाराज को 12 वर्ष की आयु में अपने पिता शाहजी से पूना की जागीर मिली। तो पूना सूपा की जागीर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पिता से मिल गई और शाहजी महाराज जो है ये चले गए कर्नाटक की तरफ। तो कुल मिलाकर के जागीर मिलने का मतलब ये है कि अब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माँ जीजाबाई आकर के यहाँ पूना में रहने लगी। 12 वर्ष की आयु इनकी लगभग उस समय थी और इस पूना की जागीर का देखभाल करते थे शाहजी भोसले के मित्र, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी के मित्र दादा कोणदेव। और दादा कोणदेव का बहुत बड़ा योगदान है छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्कर्ष में, तो बहुत अधिक प्रभाव माना जाता है दादा कोणदेव का छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर। कहा जाता है कि तलवारबाजी की शिक्षा, घुड़सवारी की शिक्षा और प्रशासन की शिक्षा दादा कोणदेव ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर सबसे अधिक जिसका प्रभाव पड़ा उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई। तो जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी और बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को वो रामायण, महाभारत, प्राचीन हिंदू वीर राजाओं की कहानियां सुनाती रहती थी और हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म के तीन मूल विषयों गौ, ब्राह्मण और धर्म के संरक्षण के लिए वो इन्हें प्रेरित करते रहते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर जीजाबाई का बहुत अधिक प्रभाव था और हम कह सकते हैं कि जीजाबाई ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ा था। अगर हम महागोविंद रानाडे की बात करें तो महागोविंद रानाडे ये कहते हैं कि अगर ये माना जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन पर उसके माँ का सर्वोत्तम प्रभाव होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर उनकी माँ जीजाबाई का सर्वोच्च प्रभाव था। ठीक है, तो शिवाजी महाराज को 12 वर्ष की आयु में अपने पिता से पूना की जागीर मिली और दादा कोणदेव इस जागीर के संरक्षक थे। तो यहीं से दादा कोणदेव के
संरक्षण में छत्रपति शिवाजी महाराज आए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1636 में यानी इसी दौरान औरंगजेब दक्कन का मुगल सूबेदार नियुक्त हुआ। तो औरंगजेब की चर्चा हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं क्योंकि आगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का संघर्ष प्रारंभ होगा तो वो हमें जो है ठीक प्रकार से समझ में आए, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब औरंगजेब दक्कन का मुगल सूबेदार है, अभी ये मुगल शासक नहीं है, दक्कन का मुगल सूबेदार है और पूरा दक्कनी सल्तनतों को जो है हिलाने का ये काम कर रहा है। ठीक, तो 1640 में छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सई बाई के साथ हुआ, साई बाई या सई बाई के साथ इनका 1640 में विवाह हुआ। 1645 में यह बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने राय रायेश्वर महादेव मंदिर में देश की स्वतंत्रता, हिंदवी स्वराज की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने का प्रण लिया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तिथि है, जबकि रायरेश्वर महादेव मंदिर में देश की स्वतंत्रता, हिंदवी स्वराज की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने का इन्होंने प्रण लिया। अब इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष प्रारंभ हुआ और संघर्ष किस लिए, तो संघर्ष देश की स्वतंत्रता के लिए, हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। तो 1646 और 47 के बीच, यहां पे देखिए गलती से 1700 लिखा गया है, ये 1600 कर लीजिए, बाकी हम भी लेक्चर के बाद इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन आप इसको 1646 कर दीजिए और यहां भी ठीक है, ये गलती से 1700 लिखा गया। 1646 से 47 के बीच हम देखें तो शिवाजी महाराज ने तोरण का किला, राजगढ़ का किला और कोंडाना के किले पर अधिकार कर लिया। तो एक वर्ष के दौरान ही इन्होंने इन महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। और अलग से अगर आप पढ़ना चाहें तो एक एक विजय के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कितनी योजनाएं बनी और कितने अदम्य साहस का प्रदर्शन हुआ, वो आपको पता चलेगा। इन सब एक एक किलों के विजय की पूरी विस्तृत कहानी है। ठीक है, तो तोरण, राजगढ़ और कोंडाना के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। कोंडाना विजय के बाद ही बीजापुर की आदिल शाही ने एक कार्यवाही किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को बंदी बना लिया कि भाई आपके पुत्र तो एक के बाद एक जो है हमारे किलों को जीत रहे हैं, तो शाहजी को बंदी बना दिया गया। तो बाद में कहते हैं कि कोंडाना का किला शिवाजी महाराज ने लौटा दिया और उसके बाद शाहजी जो है बीजापुर की कैद से छूट करके आए। हालांकि शाहजी का पूरा अपना एक अलग इतिहास है और कहीं ना कहीं शाहजी काफी डिस्टर्ब भी हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, क्योंकि ये जब कोई कार्य करते थे तो एक्शन शाहजी पर हो जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां से कुछ समय तक हम देखें तो एक ठहराव दिखता है छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियानों में। इसी दौरान 1652 में औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का मुगल सूबेदार बनकर के आ गया और अब जो है इसने बीजापुर की आदिल शाही को ठीक प्रकार से परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जब औरंगजेब ने इधर दक्षिण में आ गया, उसके बाद 1654 में शिवाजी महाराज ने नीलोजी नीलकंठ, एक किलेदार था, ये भी मराठे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे महत्वपूर्ण पर्वती किले मराठों के हाथ में ही थे, तो नीलोजी नीलकंठ के हाथ में था, हालांकि ये किला तो था बीजापुर की आदिल शाही का। ठीक है, तो इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया और फिर अपने नीचे उन्होंने नीलोजी नीलकंठ को इस किले का किलेदार भी नियुक्त कर दिया। पहले ये बीजापुर के अधीन थे, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधीन इनको किलेदार बना दिया। 1656 में जावली पर शिवाजी महाराज ने अधिकार कर लिया। तो जावली पर
शिवाजी महाराज ने अधिकार किया, यहाँ भी एक मराठा ही किलेदार थे जिनका नाम था चंद्रराव मोरे, और इनकी जो है इस दौरान हत्या भी हो गई। ठीक है, इसके अलावा कोंकण क्षेत्र की विजय 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, इसमें कल्याण, भिवंडी और माहुली पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। हालांकि कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा के सिद्धियों का राज्य था, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रयास करने के बाद भी वो उस पर अधिकार नहीं कर पाए। तो जंजीरा के सिद्धियों का जो इलाका था, ये अपसिनिया के थे और यहाँ पर इन्होंने एक राज्य बना लिया था, तो जंजीरा कोंकण क्षेत्र में, तो जंजीरा के सिद्धियों पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है आधिपत्य नहीं हो पाया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये जब सारे कार्य चल रहे थे तो बीजापुर की आदिल शाही उस समय औरंगजेब से बेहद परेशान थी। तो 1657 में क्या हुआ कि औरंगजेब वापस चला गया आगरा, क्योंकि वहां अब जो है उत्तराधिकार का युद्ध जो है प्रारंभ, ऐसी सूचना आई कि शाहजहां की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो औरंगजेब तुरंत दक्कन से चला गया। तो जैसे ही औरंगजेब दक्कन से चला गया, बीजापुर के ऊपर जो दबाव था वो हट गया, और जब बीजापुर के ऊपर से दबाव हट गया तो फिर बीजापुर की आदिल शाही ने यह निर्णय लिया कि अब तो हमें जो है शिवाजी को मजा चखाना ही होगा, ये तो धीरे धीरे करके हमारे किलों को जीत रहे हैं। लेकिन जब तक औरंगजेब रहा तब तक जो है बीजापुर की आदिल शाही औरंगजेब से परेशान रही, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का खतरा टला बीजापुर के सर से, तो फाइनली जो है बीजापुर की सल्तनत यानी आदिल शाही ने जो है शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खां को भेज दिया। अब ये पूरी कहानी समझ लीजिए। तो 1659 में कहा जाता है कि 10,000 की सेना लेकर के या 15,000 की सेना लेकर के अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ने या मारने के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ा। उसमें भी यह बताया जाता है कि आदिल शाही में यह हुआ कि कौन ये कार्य करेगा, माने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने का या मारने का, तो कहा जाता है कि किसी ने हाथ नहीं उठाया, कि केवल अफजल खान ही सहमत हुआ कि नहीं मैं कर दूंगा। और अफजल खान एक जो है दैत्य की तरह दिखने वाला इंसान था, तो 7 फीट की हाइट बताई जाती है इसकी, बहुत बलशाली, एक प्रकार से जिंदा दैत्य था ये चल पड़ा 10,000 या 15,000 की सेना लेकर के। अब इसने जो है पड़ाव डाल दिया और उसके बाद जो है उसने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया, बार बार बता रहा हूं कि देखिए, इन दक्कनी सल्तनतों में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जो है मराठे थे, तो कृष्णाजी भास्कर हिंदू थे, तो वही दूत बन करके आए छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने, और उन्होंने ये कहा कि जो है अफजल खान आपसे मिलना चाहता है, और बातचीत होगी, समझौता हो जाएगा, संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा जाता है कि कृष्णाजी भास्कर से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग में या प्रतापगढ़ के पास के जंगल में एक मंदिर में मिले, और उन्होंने जब कृष्णाजी भास्कर बोल लिए तो उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप ये ध्यान रखिए कि आप मंदिर में बैठे हैं और हमें सच बताइए कि अफजल खान बात करके संधि करेगा या उसकी योजना क्या है। तो कृष्णाजी भास्कर ने कहा कि मैंने आदिल शाही का नमक खाया है, इसलिए मैं कुछ बता तो आपको नहीं सकता हूं। तो एक प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है कुछ बातें कही और इशारे में कृष्णाजी भास्कर ने कहा कि बस बस आप ठीक समझ रहे हैं,
यानी शिवाजी महाराज ने पूछा क्या मारने का प्लान है, तो उसने कहा कि यही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो जानते ही थे कि मारने ही आया है, उन्होंने जो है तैयारी की और कृष्णाजी भास्कर को बिना जनाए उन्होंने यह कहा कि देखो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अफजल खान से मैदानों में जाकर के मिले, समतल जगह पे जहां उसका टेंट है उसके क्षेत्र में हम जाकर के मिल नहीं सकते, हम बहुत डर रहे हैं उससे, हम बेहद डर गए हैं और हम तो कांप रहे हैं। इस तरह की एक्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया कि हम उससे नहीं मिल सकते हैं, आप जाकर के उससे कह दीजिए कि वो अकेले आए प्रतापगढ़ के जंगलों में आए और वहीं मैं मिल पाऊंगा, मुझे जो है उस टेंट में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। कृष्णाजी भास्कर ने जाकर के यही बात कहा और इससे बड़ा प्रसन्न हुआ अफजल खान और अंततः वो जंगलों में आकर के मिलने के लिए तैयार हो गया। दो अंगरक्षक उसके साथ आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी दो अंगरक्षक आए थे और जैसे ही दोनों लोगों की मुलाकात हुई अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाया और उसकी स्थिति वही थी, वो तैयारी करके आया था, वो फिर कसने लगा कि ऐसे ही करके मैं मार दूंगा इनको। छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार थे, बघनख कहते हैं हाथ में पहना जाता है तो ऐसे उन्होंने पहना था, ऐसे उससे मुट्ठी अगर बंद कर लेंगे तो छुप जाएगा, बघनख ऐसे उंगलियों में पहना जाता है, ऐसे ऐसे जो है उसमें निकला होता है ब्लेड, और ऐसे जब उसने पकड़ा तो मैंने बताया कि बहुत वो लंबा था, छत्रपति शिवाजी महाराज तो उसके कंधे के नीचे ही गए, उन्होंने जो है वो बघनक को ऐसे किया और दबा करके पेट में पेट चीर दिया उनका, और जैसे ही अफजल खान गिरा वैसे ही मराठा मावलों ने, सैनिकों ने हजारों की संख्या में अफजल खान के सैनिकों को काट दिया। तो ये छापामार युद्ध की नीति, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत, आदिलशाही, शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा गया अफजल खान को, शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जैसे ये शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, यहां से शिवाजी महाराज की कीर्ति पूरे दक्कन में फैली और इन्हें चमत्कारिक पुरुष के रूप में देखा जाने लगा कि इतना साहस अफजल खान को और 10,000 से अधिक की सेना के साथ काट डाला गया, तो यह कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, यह चमत्कारिक घटनाक्रम है, ठीक है। तो यहां से अब फिर जो है अब इनका जो है नाम होने लगा। 1658 में औरंगजेब फाइनली मुगल शासक बन गया और अब लगभग यहीं से औरंगजेब और शिवाजी महाराज के संघर्ष का प्रारंभ हो गया। तो अब डायरेक्ट जो है मुगल और छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष का प्रारंभ हुआ। तो कहा जाता है कि पहली बार मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो संघर्ष हुआ वो 1656 या 1657 में जुन्नार और अहमदनगर पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया था उसी दौरान हुआ। तो पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों से संघर्ष जो है 1656 में हुआ। फाइनली 1658 में औरंगजेब मुगल शासक बना और औरंगजेब ये स्पष्ट रूप से ये समझ लिया इसने कि अब दक्कनी सल्तनतों के बस का शिवाजी नहीं है, अब तो मुगलों को ही शिवाजी के ऊपर अपना दम लगाना पड़ेगा। और फाइनली इसने जो है औरंगजेब ने साइस्ता खां को 1660 में दक्कन का मुगल सूबेदार नियुक्त किया। दक्कन या का मतलब पूरा दक्षिण भारत, तो दक्कन का मुगल सूबेदार साइस्ता खान को इसने नियुक्त किया। अब साइस्ता खान पर बड़ा भरोसा था औरंगजेब को, साइस्ता खान मुगलों का बेहद शानदार कमांडर था और आप ये समझ लीजिए कि दक्कन की सूबेदारी मिलना यह कोई छोटा पद नहीं था उस समय, बहुत बड़ा पद था। अब एक प्रकार से औरंगजेब के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक हो जाएगा दक्कन का मुगल सूबेदार होना। और आप यह भी ध्यान रखिए कि औरंगजेब स्वयं ही बहुत वर्षों तक दक्कन का मुगल सूबेदार था। तो यहां आप देखें तो 1636 से 44 तक,
फिर जो है 1652 से लेकर 1657 तक, ठीक है। तो शाइस्ता खां से जो है यहां पर 1660 में बनकर के आ गया दक्कन का मुगल सूबेदार। और शाइस्ता खान ने बड़ी ताकत से छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया और पूना जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रारंभिक बिंदु था वहां पर अधिकार कर लिया। इसके बाद चाकन का किले और कल्याण के किले को भी इसने जीत लिया और पूना में ही जो लाल महल था उसी में ये रहने लगा शाइस्ता खान, जिस महल में छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था उस पर कब्जा करके कौन बैठ गया, तो शाइस्ता खान उस पर कब्जा करके बैठ गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही आत्मघाती निर्णय ले लिया। यह आत्मघाती जो है कार्य था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। निर्णय क्या हुआ? निर्णय यह हुआ कि शाइस्ता खान को पूना के किले में घुस करके मारना है। सबसे पहला विषय तो आप यह समझ लीजिए कि शाइस्ता खान दक्कन का मुगल सूबेदार था और उसके पास कम से कम 30,000 से 40,000 की फौज रही होगी वो जब पूना में रहा होगा। इसके अलावा जिस मार्ग से छत्रपति शिवाजी महाराज को पूना पहुंचना था उस मार्ग के बीचों बीच जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह का कैंप लगा था और उसमें भी 10,000 सैनिक थे, वो भी दक्षिण के अभियान पे ही थे। तो लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह निर्णय कर लिया 2,500 सैनिकों के साथ कि हमें जो है इस कार्य को अंजाम दे देना है। तो कई सोर्सेस में अलग अलग बातें हैं, जैसे एक तो ये कि बारात बताई गई और बारात किले में प्रवेश कर गई, और कहीं ये बताया जाता है कि वो जो है दक्कन के सिपाहियों का ड्रेस पहन करके अंदर घुस गए कि हम जो है सिपाही हैं और हमारा जो है अलाटमेंट हुआ है, और वो किले में प्रवेश कर गए। किले के बाहर दो सरदारों के नेतृत्व में 1,000 मराठा सैनिक तैनात हो गए किले के बाहर, और 400 के आसपास या 500 सैनिक जो है घुसे किले के अंदर। रात हुई, अब आप समझ लीजिए कि चारों तरफ किले के अंदर किले के बाहर और उस पूरे क्षेत्र में हजारों मुगल सैनिक तैनात हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज कहां हैं, तो लाल महल के पास हैं और रात में घुस करके इन्होंने जो है आक्रमण किया। शाइस्ता खां का उसमें कहा जाता है कि उंगली या हाथ कट गई, उसका पुत्र शाइस्ता खां का मारा गया, सैकड़ों मुगल सिपाही मारे गए, शाइस्ता खान के पूरे खेमे में अफरा तफरी मच गई, और उसके बाद भी ये सब करने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथी सुरक्षित वहां से निकल गए, किसी के पकड़ में नहीं आए। तो ये जो पूरा कारनामा था इसे हम अदम्य साहस के ऊपर रखते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से आत्मघाती कदम था, मतलब बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। 40,000 मुगल फोर्सेस के बीच में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज दक्कन के मुगल सूबेदार के पुत्र को मारकर आ जाते हैं और उसका भी हाथ काट देते हैं, तो यह बहुत बड़ी घटना थी। और निश्चित रूप से जिस अदम्य साहस का प्रदर्शन इस घटनाक्रम को करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था वो ब्याज सहित वसूल भी हो गया, क्योंकि यहां से पूरे दक्कन में यह बात हो गई खास करके मराठों के बीच कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज
ईश्वरीय सत्ता से प्रेरित हैं, इनमें ईश्वरीय अंश है। तो एक अवतार के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा लोगों ने देखना शुरू किया और मराठा साम्राज्य के की स्थापना में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो छवि थी उसने अपना बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकाएक छत्रपति शिवाजी महाराज करिश्माई व्यक्तित्व बन गए, ईश्वरीय शक्तियों के स्वामी इनको मान लिया गया। तो ये दोनों घटनाक्रम, अफजल खान को मारना और उससे बहुत बड़ी घटनाक्रम शाइस्ता खान के निवास स्थान पर ही हमला कर देना और उसका हाथ काट लेना, इससे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मुगल दरबार तक भी फैला और उसके बाद मजबूरन औरंगजेब को अपने सबसे शानदार कमांडर को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजना पड़ा। ठीक है, तो यह घटनाक्रम हुआ और इसके बाद ही 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत का अभियान किया और सूरत मुगलों का बंदरगाह था और मुगल क्षेत्र में जाकर के शिवाजी महाराज ने पूरा लूट मचा दी और कहा जाता है यहां से 1 करोड़ रुपए से अधिक छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला था। तो इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को चैलेंज कर रहे थे। तो यह स्थिति थी और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में मुगलों का तो डंका बज रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उनको इस लेवल पर जाकर के परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो अब शाइस्ता खान अपनी भद पिटवा करके वापस चला गया। औरंगजेब ने कहा कि भैया तुम वापस आ जाओ, अब तुम्हारे बस का नहीं है। तो जयपुर के राजा जय सिंह, जो कि बड़े मनसबदार थे औरंगजेब के साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, उनको जो है भेजा गया एक बड़ी सेना दे करके। ये कहा गया कि अब आप जाइए और अब आप जो है शिवाजी को टेकल करिए। तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के जय सिंह आए और जय सिंह बहुत बड़े जनरल थे, तो बहुत जो है सख्ती के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षेत्रों पर जय सिंह ने अटैक किया। जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं असल में ये एक हारी हुई लड़ाई है और इसलिए संधि करना ही रुचिकर होगा। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर हम देखें तो हमें वो दिखते हैं एक वीर सैनिक के रूप में, एक साहसी सेनापति के रूप में, एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में भी छत्रपति शिवाजी महाराज हमें दिखते हैं। तो कई जगह तो उन्होंने ऐसे साहस का प्रदर्शन किया है और ये एक दो बार नहीं हुआ है। अभी वो आगे आगरा औरंगजेब की दरबार में जाएंगे और वहां पर जिस औरंगजेब के सामने आंखें नीची करके लोग बोलते थे, वहां पर शेरों की तरह गरज करके औरंगजेब को वो बोलेंगे। तो बहुत जगह पर उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया और वो भी आत्मघाती साहस, वो अदम्य साहस से भी ऊपर का साहस। तो यहां इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया कि नहीं, अब हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें संधि करनी चाहिए। तो फाइनली जो है शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई और इस पुरंदर की संधि का पूरा श्रेय जय सिंह को दिया जाता है, क्योंकि इस संधि के बाद भी किसी मुगल सेनानायक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित नहीं कर पाया। तो अकेले जय सिंह थे और इसलिए यह जय सिंह की विजय मानी जाती है। तो इसमें क्या हुआ, तो यह हुआ कि 35 में से 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज के जो हैं वो मुगलों को मिल जाएंगे। 35 में से कितने, 23। इसके अलावा और क्या तय हुआ, तो कहा गया कि शिवाजी के पुत्र संभाजी 5000 का मनसब इन्हें दिया जाएगा। तो ये मनसबदारी प्रथा चलती थी मुगलों में, मनसब यानी सैनिक रैंक होता था, 5000 का रैंक बड़ा रैंक माना जाता था। तो 5000 का मनसब इन्हें जो है दिया जाएगा, यानी कि
अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज मुगलों की सेवा में आ गए, ठीक है। इसके अलावा यह कहा गया कि दक्कन में युद्ध के समय शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे, तो दक्कन में जो युद्ध होगा उसमें शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे, खास करके बीजापुर से जो संघर्ष चल रहा था, और शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। तो यह संधि की शर्त में तो नहीं था, लेकिन जय सिंह का बहुत प्रेशर था कि आपको जो है औरंगजेब से मिलना चाहिए। और शिवाजी महाराज भी धीरे धीरे करके औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि शिवाजी महाराज कैसे औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हुए, उसके भी दो तीन कारण है। पहला तो यही है कि भाई संधि हुई थी, दबाव था, प्रेशर था कि मिलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह कही जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये देखना चाहते थे कि आखिर ये जो मुगल साम्राज्य है इसकी सैन्य व्यवस्था क्या है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, और ये किस प्रकार से जो है संगठित है। तो मुगल साम्राज्य को ठीक प्रकार से अगर हमें समझना है तो मुगल राजधानी में जाने का न्योता आया है तो हमें मुगल राजधानी में जाकर के इसे देखना चाहिए, यह भी कहा जाता है। लेकिन यह बहुत साहस का निर्णय था, क्योंकि औरंगजेब किसी की जल्दी सुनता नहीं था, और उसके टेम्परामेंट के आदमी से डील करने में हमेशा जान का खतरा था। लेकिन अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार हो गए। जय सिंह ने, जो कि जयपुर के राजा थे और मुगलों के मनसबदार थे, उन्होंने शिवाजी महाराज को यह गारंटी दी कि आपकी जान नहीं जाएगी, इसकी गारंटी हमारी है। तो उस गारंटी पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है आगरे के लिए रवाना हो गए, और कहा जाता है कि वो पूरा बहुत शानदार जुलूस था। उसके बारे में भी जो है कई मिनटों तक बात की जा सकती है। हाथी पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज बैठे थे, और घरों से हिंदू जनता निकल निकल करके सड़कों पर आकर के देखती थी कि किस प्रकार से मुगलों के राज में एक हिंदू राजा अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से अंततः 12 मई को छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुंच गए। वहां पर जय सिंह के पुत्र जो है राम सिंह ने इन्हें अटेंड किया, और इनको लेकर के दरबारे खास में वो आ गया, क्योंकि उस समय दरबारे आम का, दो दरबारे आम यानी आम लोगों से मिलने का स्थान जहां औरंगजेब आम लोगों से मिलता था, और दरबारे खास यानी जहां खास लोगों से, मंत्रियों से। तो दरबारे खास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लाया गया, और वहां रवायत थी, आप मुगलों की रवायत को पढ़ेंगे तो इस तरीके से खड़े होते थे लोग, बैठने की इजाजत नहीं होती थी। तो वो तो पूरा जो है निरंकुश शासन तंत्र था, तो वहां तो मिनिस्टर्स मनसबदार बैठते ही नहीं थे, ठीक है, वो ऐसे खड़े रहते थे, और ऊपर 10 फीट ऊपर जो है एक तख्ते पर बैठा रहता था बादशाह। तो औरंगजेब वहां पर बैठा था, छत्रपति शिवाजी महाराज गए। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को 5,000 जो मनसबदारों का जिसमें खड़े थे उस लाइन में छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा कर दिया गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है राम सिंह को बुलाया, क्योंकि राम सिंह ही अटेंड कर रहे थे, जय सिंह के पुत्र, और वो जोर जोर से बोलने लगे। उन्होंने कहा कि 5,000 का मनसब जो है हमारे पुत्र संभाजी को मिला है, हम थोड़े 5,000 के मनसबदारी हैं, और हम तो भी शासक है ना, हम भी तो राजा हैं, तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने जसवंत सिंह को देख लिया अपने आगे। अब वो इस पे और भड़क गए कि ये जसवंत सिंह तो दक्कन में मुझे अपनी पीठ दिखा करके भाग गया था, अब इस ये जो जिस लाइन में खड़ा होगा उस लाइन में थोड़े मैं खड़ा होऊंगा। तो बहुत तेजी से बोलने लगे। अब समझिए कि जिस औरंगजेब की के दरबार में औरंगजेब की इजाजत ली करके हुजूर कह करके अपनी बात कहा जाता था, आवाज को बेहद संयत रखा जाता था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज चिल्लाने लगे, ये औरंगजेब के लिए भी आश्चर्यजनक स्थिति थी। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसको समझ ही नहीं आया क्या क्या करना है, और उसके बाद बोल करके आगे आ गए।
छत्रपति शिवाजी महाराज और बैठ गए दरबार के आगे सीढ़ियों पर। दौड़े दौड़े राम सिंह आए, औरंगजेब ने कहा बुलाइए, कहा नहीं हमें नहीं जाना। तो फाइनली जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को जयपुर भवन, यानी ये जो जयपुर राज्य का भवन था या महल था, उसमें जो है रखा गया। क्योंकि देखिए अब यहां साइस्ता खान भी जो था वो भी औरंगजेब का रिश्तेदार था और उसका पुत्र मारा गया था, तो वहां से भी यानी मुगल हरम से भी ये बात उठने लगी कि शिवाजी को मारो, और दरबारी भी औरंगजेब को चढ़ाने लगे कि इसको मारो। मतलब इस तरीके से अगर ये दरबार में करके गए हैं तो ये जो है बड़ी गलत उदाहरण इन्होंने पेश कर दिया है, ये दिक्कत वाली बात, मारो। मृत्युदंड का आदेश औरंगजेब ने दे दिया कि नहीं मारना है। अब जो है उसके बाद राम सिंह ने पूरी बात की कि हम पूरा जो है जिम्मेदारी लेते हैं, इनको बंद करिए, लेकिन हमारे पिताजी ने जो है वो दिया है, इनको जो है अभयदान दे करके लाए हैं कि इनको मार नहीं सकते आप। तो जय सिंह की इतनी चलती थी और इतने प्रोमिनेंट, इतने मजबूत थे कि औरंगजेब मार नहीं पाया, लेकिन ये कहा कि जयपुर भवन में इनको कैद कर दो, बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है। और फिर उसके बाद उसने जय सिंह को पत्र भी लिखा और यह भी पूछा कि आपने शिवाजी से यहां आने के लिए क्या क्या वादा किया है, जिसका जवाब बहुत लेट जो है जय सिंह ने दिया। और उसी दौरान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज निकलने में कामयाब रहे। तो उसमें जो है जय सिंह ने भी यह कहा कि जो संधि की शर्तें हैं हमने तो वही बात की है, लेकिन शिवाजी को मारना जो है हमारे लिए हित में नहीं होगा, बल्कि हमें जो है उनको अपने साथ मिला करके दक्कन में जो हमारी मुहिम चल रही है उसमें उनका सहयोग लेना चाहिए। ये जय सिंह ने लिखा था, लेकिन इन सब पत्रों में जो है काफी डिले हुआ। इसी बीच अब हुआ क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज जयपुर भवन में कैद हो गए। अब इस जयपुर भवन में जो आंतरिक सुरक्षा थी वो तो जयपुर स्टेट की थी, यानी राम सिंह की सेना थी, लेकिन जो बाहरी सैन्य व्यवस्था थी सुरक्षा की, उस पे जो है औरंगजेब ने मुगलों को तैनात कर दिया। तो अंदर राम सिंह की सेना जयपुर भवन के और बाहर जो है मुगलों की पहरेदारी लग गई कि शिवाजी बच करके ना निकलने पाए। बड़ा संकालु स्वभाव का था औरंगजेब, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था, तो उसने बाहर भी सिक्योरिटी लगा दी। अब इस स्थिति में थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई तरह से प्रयास किया कि हम निकल जाएं, उसमें जो है 2 करोड़ रुपए का लालच भी औरंगजेब को देना, कई चीजें हुई, लेकिन अंततः कोई फायदा नहीं हुआ। औरंगजेब यह तय कर चुका था कि इनको मारना है। तो फाइनली जो है अब व्यक्तिगत स्तर पे इन्होंने प्रयास करना शुरू किया। कहा जाता है कि अब ये जो है बीमार हो गया और फिर मिठाई बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो रोज जो है बड़े बड़े, उस समय बड़े बड़े जो है बर्तनों में आपने देखा होगा घड़े टाइप का, इतना जो है मिट्टी का बर्तन, उसमें जो है मिठाइयाँ आती थी और सेवकों को बांटते थे। होता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत खराब है और अब वो दान पुण्य कर रहे हैं कि भाई सबका आशीर्वाद उनको जो है मिले लगे। धीरे धीरे जो है ये रोज की प्रक्रिया जब बन गई तो जो सैनिक थे उनमें जो है वो आ गया कि ये तो रोज ही मिठाई जाता है और रोज ही खाली जो है उसका मिठाई का बर्तन जो है बाहर निकलता है। तो फिर ढिलाई हो गई, मतलब जो मुगल सैनिक थे उनमें भी और जो जयपुर के सैनिक थे अंदर। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि क्या राम सिंह ने भी मदद की थी क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को निकलने में, लेकिन ठीक है। तो वो डेली डेली का कार्यक्रम हो गया, तो 10 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, तो उसके बाद फिर सब लोग जो है वो हो गए, स्थिर हो गए कि अब अच्छा ठीक है मिठाई डिब्बा चलो जाने दो, ऐसे हो गई स्थिति चेकिंग। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे ही ये देखा कि ये स्थिति अब हो रही है कि अब जो है जो मिठाइयाँ आ रही हैं और जो उसके डिब्बे जा रहे हैं, बर्तन जा रहे हैं, उसको उस तरह के से चेक नहीं किया जा रहा है, तो अंततः 18 अगस्त को शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज दोनों लोगों को उन टोकरियों में बैठ गए, जो मिठाई की टोकरियाँ आई थी उनमें वो बैठ गए, बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती थी। और हीरो जी फरचंद, एक जो है शिवाजी महाराज के हम सकल थे, उनको शिवाजी महाराज ने अपने जगह पर लिटा दिया। और शिवाजी महाराज हाथ में कड़ा पहनते थे, तो वो इस तरीके से उनको लिटाया गया कि वो जो कड़ा था वो जो है
वह चद्दर के ऊपर था ताकि अगर कोई सैनिक देखे तो देख ले कि शिवाजी महाराज सो रहे हैं और ये कड़ा उन्हीं के हाथ में था। ऐसे करके उनको सुला दिया गया और फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए और महीनों का सफर करके उतनी मुगलों की पहरेदारी को थत्ता बताते हुए वो राजगढ़ पहुंच गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि संभाजी की मृत्यु हो गई रास्ते में, जबकि संभाजी को उन्होंने या तो मथुरा में या इलाहाबाद में छोड़ा था। बाद में संभाजी महाराज भी पहुंच गए। अब आप ये समझिए कि ये तीसरे उनके जीवन का घटनाक्रम था औरंगजेब के राजधानी में जाकर औरंगजेब को ललकार के, औरंगजेब द्वारा नजरबंद होकर, औरंगजेब जैसे मतलब मुगल साम्राज्य, मजबूत सैन्य शक्ति वाला मुगल साम्राज्य, बहुत चौकन्ना मुगल सैन्य व्यवस्था, पहरे की व्यवस्था से निकल करके फिर से वो राजगढ़ में पहुंच गए। अब ये सब मैं क्यों इतना आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ये समझिए कि इन सब घटनाक्रमों ने शिवाजी महाराज को ईश्वर के अवतार के समक्ष लाकर के खड़ा कर दिया था कि ये साधारण व्यक्ति के बस का है। जिस मुगलों के के आगे सब लोग हाथ जोड़ लिए, खास करके औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूं, पूरा दक्षिण का सत्यान्यास कर दिया उसने जो है, कोई बचा नहीं मुगलों की ताकत के सामने, और वहां पर कोई एक व्यक्ति इतना साहसी कि औरंगजेब को उसके दरबार में ललकारे और मुगलों की राजधानी आगरा से बच निकले और स्वयं ही नहीं अपने पुत्र को भी लेकर के निकल जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। ठीक है, तो जब यहां से निकले छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है आक्रामक सैन्य नीति को जो है इन्होंने प्रारंभ किया। तो 1666 से लेकर 73 तक अधिकांश महाराष्ट्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और इसी बीच में ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछले वर्ष में, 1672 में सलहेर या सलहार के युद्ध में मुगलों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पराजित किया। ठीक है, अब ये सारे घटनाक्रम हो गए। एक जो है मराठा क्षेत्र शिवाजी महाराज के कंट्रोल में था, बहुत सारे किले आ गए थे, अब एक प्रशासनिक व्यवस्था भी बन गई थी, लेकिन अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज एक जो है जागीरदार, एक सरदार के रूप में ही थे। और अब जो है ये आवश्यक था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक राजा के रूप में राज्याभिषेक हो, क्योंकि विदेश नीति के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि जो है एक शासक के रूप में आपकी मान्यता हो। जैसे औरंगजेब हमेशा से इनको सरदार मानता था, इनको राजा मानता ही नहीं था, और दूसरी बात थी कि जो और मराठे सरदार थे उन्हें भी लगता था कि शिवाजी तो हमारे ही समक्ष, हालांकि इनके व्यक्तिगत गुणों से तो वो प्रभावित ही थे, लेकिन उनको भी लगता था कि हैसियत के रूप में ये भी हमारे ही तरह है। तो ऐसे में ये तय करना था कि भाई अब मराठा साम्राज्य जिसके नेतृत्व में जाएगा तो अब एक व्यक्ति जो है शीर्ष पर होगा, बाकी सारे लोग जो है उसके नेतृत्व में रहेंगे। तो निश्चित रूप से 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और ये काशी के विद्वान विशेश्वर भट्ट द्वारा संपन्न हुआ। तो पूरा जयपुर रियासत में जो है शिवाजी महाराज के मंत्री गए और वहाँ पर उन्होंने समझा कि कैसे जो है राज्याभिषेक की पूरी प्रक्रिया होती है, वही जय सिंह के जयपुर में। ठीक है, राज्याभिषेक कैसे होता, फिर बनारस ये गए। अब सोचिए वाराणसी का महत्व बहुत था, अब कहाँ महाराष्ट्र के शासक हैं छत्रपति शिवाजी, और वाराणसी में वो आ रहे हैं, और यहाँ के जो है विद्वान हैं विशेश्वर भट्ट, गाग भट्ट भी इन्हें कहा गया, इनसे कहा गया कि भैया आप जो है राज्याभिषेक करिए जो है, तो ये पूरा वंशावली निकाले और फिर उन्हें जो है क्षत्रिय इन्होंने घोषित किया। और बड़ा धूमधाम से बड़ा भव्य राज्याभिषेक हुआ। ये सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 11,000 ब्राह्मण परिवार जिनकी कुल संख्या लगभग 50,000 थी, 4 महीने तक मराठा राजधानी रायगढ़ में उनका आतिथ्य सत्कार किया गया।
50,000 ब्राह्मणों का 4 महीने तक रायगढ़ में आतिथ्य सत्कार किया गया। इस अवसर पर तुलादान भी हुआ। तुलादान यानी शिवाजी महाराज के वजन के बराबर जो है सोना या चांदी को तौला गया। तो काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट द्वारा संपन्न हुआ। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की, छत्रपति, इन्हें राजा नहीं कहा, छत्रपति कहा जाता है, और रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा एक नया संबत भी इन्होंने चलवाया, शिवाजी महाराज ने एक नया संबत भी चलवाया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि संबत चलाने के का जो रूल बताया गया है, जो नियम बताया गया है प्राचीन धर्म ग्रंथों में, वो ये बताया गया कि संबत केवल वही शासक चला सकता है जिसने कि राज्य के साथ साथ उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत ऋण को भी चुका दिया हो, यानी राज्य पर कोई ऋण न हो और राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति का ऋण न हो। मतलब अगर किसी को नया संबत चलाना हो तो अपने नागरिकों को बुला करके पूछना पड़ेगा कि आपने किससे किससे पैसा लिया है, तो वो कुल जो पैसा जिन जिन नागरिकों से, बैंकों से, अन्य संस्थाओं से लिए रहेंगे, वो सबका भुगतान राज्य करेगा। उसके बाद राज्य के भी ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, तब जाकर के नया संबत चलाया जाता। अब ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था नहीं किया था यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुख्य रूप से रूल यही बताया जाता है। तो नया संबत चलाना कोई हंसी खेल नहीं है कि आए और कहीं कब्जा कर लिया, अपने नाम का मस्जिदों में खुतबा पढ़वा दिया। यही तो होता था दिल्ली सल्तनत के शासकों में। तो नया संबत चलाना बहुत बड़ा विषय था, इसलिए मैं समझाने का प्रयास आपको किया। इसके अलावा सोने और तांबे के सिक्के इन्होंने चलवाए, और उन सिक्कों पर लिखा क्या रहता था, तो उन सिक्कों पर लिखा रहता था श्री शिवा छत्रपति, श्री शिवा छत्रपति, ठीक है। तो 6 जून 1674 को इनका जो है राज्याभिषेक हुआ, लेकिन 17 जून 1674 को एक अप्रिय घटना घट गई। और यह अप्रिय घटना क्या थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई। और इस घटनाक्रम को छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अशुभ घटनाक्रम के रूप में देखा, और इसलिए तांत्रिक विधि से कहते हैं कि दूसरी बार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 24 सितंबर 1674 को। और तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक जिस व्यक्ति ने कराया उसका नाम था निश्चलपुरी गोसाई। तो निश्चलपुरी गोसाई के नेतृत्व में हुआ। अब इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अभियान हुआ 1676 ईस्वी में एलबरगा का, और इसके बाद जो है 1678 में जिंजी पर शिवाजी महाराज का अधिकार हुआ। जिंजी का किला अभेद्य किला माना जाता है, भारत के सबसे अधिक अभेद्य किले, अजेय किले में सबसे अधिक अजेय माना जाता है जिंजी का किला, जिसने आगे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम को लगभग 8 वर्ष तक शरण दी। तो जिंजी का अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान था। और फाइनली 13 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तो 13 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक वीर सैनिक थे, एक साहसी सेनानायक थे, और इन सबसे बढ़कर के एक साम्राज्य निर्माता थे। और साम्राज्य निर्माता तो भारतीय इतिहास में बहुत हुए हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहद विकट थीं।
और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक जो है साम्राज्य इन परिस्थितियों में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस साम्राज्य को खड़ा किया जो कि अगले 150 वर्षों तक भारत में मजबूती से खड़ा रहा और पेशवाओं के नेतृत्व में तो अटक से लेकर के कटक तक फैल गया। कहा जाने लगा कि मराठे घोड़े एक ही साथ दक्षिण में कृष्णा नदी का और पश्चिम में सिंधु नदी का जल पीते हैं। तो इस प्रकार से 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई।